सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट। आज की वीडियो में हम नई सर्जरी, नई टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिल्क लेज़र टेक्निक। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आजकल सबकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, और जैसे कि आपको पता है, एक किसी भी सर्जरी कराने के लिए हम लोगों को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, एक एक महीना, इतना टाइम निकालना पड़ता है। तो जैसे कि सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, अगर कोई सर्जरी करानी है, कोई प्रोसीजर कराना है, तो इसके लिए, इस चीज़ को देखते हुए आज मार्केट में कुछ टाइम पहले, अभी रिसेंटली सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, वो आई है सिल्क लेज़र। सिल्क लेज़र बेसिकली क्या है, कैसे काम करती है, इससे हमारा कम टाइम कैसे लगेगा सर्जरी के अंदर। सिल्क लेज़र का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है आज की जनरेशन, आज की यूथ और आज के लोगों के लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल को देखते हुए, जो सर्जरी है सिल्क लेज़र, उसमें क्या होता है, जो रिकवरी रेट है सर्जरी के बाद का, वो 24 आवर्स है। 24 आवर्स, इतना कम रिकवरी रेट है, जिसकी वजह से अगर आप अपनी सर्जरी आज कराते हो तो नेक्स्ट डे से आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एक दिन की अगर आप छुट्टी ले लोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर टाइम की बात करें, जो हमारा क्लिनिकल टाइम है वो एक दिन है, 24 आवर्स के बाद आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, नेक्स्ट डे का काम कर सकते हो, अपनी जॉब पे जा सकते हो, अपने वर्क पे जा सकते हो। तो बेसिकली सिल्क का क्या मतलब है, क्या इसकी फुल फॉर्म है? सिल्क जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत स्मूथ टेक्नोलॉजी पर बेस करती है। इसकी फुल फॉर्म है स्मूथ इंसीजन लेंटिक्यूल केराटोमायलिसिस, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। सिल्क लेंस जो टेक्नोलॉजी है, इस ये बेसिकली कैसे वर्क करती है, ये और टेक्नोलॉजी से अच्छी है, ख़राब है? आज की डेट में जो सिल्क टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है, लेज़र और इसमें सिल्क जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्ट्यूरा, सिल्क, स्माइल, इतनी सारी सर्जरी हैं, ICL, इन सब में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ICL सर्जरी जो होती है उसमें आँख के अंदर लेंस डाला जाता है, पर जितनी भी लेज़र टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, कॉर्निया को छीलते हैं या फिर कॉर्निया में फ्लैप मार के उसके अंदर से हम थोड़ी सी मेम्ब्रेन हटाते हैं, क्योंकि कॉर्निया हमारा प्लस की पावर का होता है, तो जिसकी वजह से हमारा माइनस का नंबर कॉर्निया की प्लस की पावर थोड़ा सा हटा के वो माइनस का नंबर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ऐसे ये प्रोसीजर होता है जिससे हम चश्मा हटाते हैं। तो सिल्क में और नॉर्मल लेज़र में क्या डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग में जो टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी PR के फोटो रिफ्रैक्टो कैरेटमी, जिसको ये फुल फॉर्म थी। इसमें क्या करा जाता था, इसमें जो आँख का लेंस था, कॉर्निया था, कॉर्निया के ऊपर डायरेक्ट लेज़र डाली जाती थी, तो जो कॉर्निया की ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है वो, उसको हम लोग हटाते थे, जिसकी वजह से कॉर्निया का, हमारा कॉर्निया में जो प्लस की पावर है वो कम हो जाती थी और हमारा माइनस का नंबर ठीक हो जाता था। उसका जो रिकवरी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, 24 से 28 दिन, कम से कम एक महीने के लिए पेशेंट को अपने घर पर रेस्ट करना होता था, जिसमें कुछ दिन एडमिट भी रखना पड़ता था। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, आँख में पेन होता था, इन्फेक्शन बनने के चांसेस होते थे, कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाती थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती थी। तो बेसिकली जो सिल्क टेक्नोलॉजी है ये बहुत अपग्रेड टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी है। अभी हमने बात करी PRK के बारे में, PRK के बाद आई लेज़र सर्जरी। लेज़र में बेसिकली क्या होता था, सबसे ऊपर वाली जो कॉर्निया की मेन मेम्ब्रेन है उसको नहीं हटाया जाता था, उसमें क्या करा जाता था, एक फ्लैप मारा जाता था, फ्लैप मारने के बाद ऊपर वाली लेयर को हटा के अंदर से कॉर्निया को थोड़ा साफ करा जाता था, थोड़ा कम करा जाता था, उसके बाद उस फ्लैप को वापस रख दिया जाता था। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इतना बड़ा फ्लैप लगता था, थोड़ा सा बचता था, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा फ्लैप लग रहा है, इसको भी रिकवरी होने के लिए हफ्ता 10 दिन लग जाते थे, जिसके बाद आप काम पर जा सकते हो। उसका अपग्रेड वर्जन आया था कॉन्ट्यूरा। अब जो आया है स्माइल, स्माइल का जो ये सिल्क टेक्नोलॉजी आई है अच्छी वाली, इसमें बेसिकली क्या है,
अभी लेजर में क्या हो रहा था, कॉर्निया को इतना छील के, उसको हटा के, उसके अंदर छील के वापस कॉर्निया को रख दिया जाता था। अभी जो ये सिल्क टेक्नोलॉजी आई है, इसमें क्या करा जाता है, हमारे पूरा जो कॉर्निया है, जैसे अपना कैटरेक्ट सर्जरी होता है, उसमें फोल्डेबल लेंस हमको छोटे से फ्लैप में डाला जाता है, अभी इसमें जो सिल्क टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करा जाता है, लेज़र आता है वो आँख के अंदर ऑटोमेटिक जाता है, मतलब वो आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसमें से उसको नहीं साफ करेगा, वो क्या करेगा, लेज़र अंदर जाएगा और आपके कॉर्निया के अंदर जाके अपना एक इंसीजन बनाएगा, इंसीजन करके आपके कॉर्निया को अंदर से थोड़ा सा एक सरफेस बना देगा। तो फिर क्या करा जाता है, कॉर्निया में हल्का सा फ्लैप डाला जाता है और अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से आपके कॉर्निया में बहुत छोटा सा कट लगा, कॉर्निया को पूरा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से इसका जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक में इतना कॉर्निया को काटा तो वो ठीक होने में, पूरा रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लेगा, इसमें बहुत हल्का सा फ्लैप मारा है तो इसका रिकवरी रेट बहुत कम है, 24 घंटे के अंदर ये ठीक हो जाता है। और इसमें जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं। ये जो कॉर्निया के अंदर बनाता है वो बहुत अच्छे सीक्वेंस के साथ बनाता है, जिससे इसमें विज़न, बहुत अच्छा विज़न आने के चांस होते हैं, सुपर HD विज़न आने के चांस होते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो विज़न आता है वो आता है 6x6, पर इसमें जो विज़न आता है वो 6x5, वो भी HD तक आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से इसको ठीक करा जाता है और इसमें से वो निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉर्निया को डिस्टर्ब नहीं करा जाता, बहुत बड़ा फ्लैप नहीं मारा जाता, बहुत छोटा सा फ्लैप मारा जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसका रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है, आपको स्वेलिंग, पेन, ये सारी चीज़ें बहुत कम टाइम के लिए आपको फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे और आप नेक्स्ट डे से, अगले दिन से अपने वर्क पे जा सकते हो, थोड़ी बहुत ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आपकी चलेंगी, उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो एक डिफरेंस ये भी है, लेज़र में क्या होता है, इतना बड़ा फ्लैप मारा जाता है तो क्या होता है, नेचुरल जो कॉर्निया है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से इसमें ड्राइनेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सिल्क टेक्नोलॉजी में बहुत छोटा फ्लैप मारा जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँख में ड्राइनेस होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है, कम टाइम के लिए आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी अपना नंबर हटाना है और आपको अपना काम जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है, तो आप सिल्क टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट, सबसे अच्छी, सबसे कम प्रॉब्लम वाली ये अच्छी है, इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाते हैं, ड्राइनेस के चांस बहुत कम होते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा सिक्वेंस ये होती है, जिससे आपका प्योर HD विज़न आने के चांस होते हैं। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे थ्रू ये चीज़ कराना चाहते हैं, हमारे हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएंगी, आपके कुछ टेस्ट करे जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी सर्जरी आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, आपको सिल्क पे जाना चाहिए या नहीं, ये एक बार हम टेस्ट करके भी बताएंगे। क्योंकि अगर हम 100% पेशेंट होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनकी लेज़र कम करी जा सकती है या जिनको ICL होता है, तो ये डिसाइड कुछ टेस्ट के बाद होता है कि आपकी कौन सी सर्जरी आपकी आँख के लिए अच्छी रहेगी। तो नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप भी अपना कराना चाहते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।